तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल चतुर फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैंथ के जो पेड़ होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर जो ग्राफ्टिंग की जाती है एप्पल की, वो किस तरीके से की जाती है। वैसे मैंने कभी देखा तो नहीं है कि किसी ने यूट्यूब पे कैंथ का जो पेड़ है उसके ऊपर जो आपको सेब की ग्राफ्टिंग करके दिखाई हो। ये मैं फर्स्ट मेरा एक वीडियो होगा जो कैंथ के ऊपर एप्पल की ग्राफ्टिंग करके बता रहा हूँ, और मैंने इसके रिज़ल्ट भी दिखाए हैं दोस्तों। तो आप वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। दोस्तों, कैंथ का जो पेड़ है हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके ऊपर सेब और नाशपाती दोनों की ग्राफ्टिंग बहुत अच्छे से सक्सेस होती है, और मैंने किया हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं भी रिज़ल्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कैंथ के पेड़ पे किस तरीके से ग्राफ्टिंग की जाती है। ये पेड़ के ऊपर जो है वो सेब की जो कटिंग है बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। ये दोस्तों, इसको कैंथ बोलते हैं, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ पेड़ आपको। इसके ऊपर दोस्तों नाशपाती की भी जो है ग्राफ्टिंग बहुत अच्छे से सक्सेस होती है, और एप्पल की जो है वो भी बहुत अच्छे से कटिंग ग्रो करती है। दोस्तों, मैंने अपनी सभी वीडियो में ये ज़रूर बताया है कि जो भी आप कटर और जो ये कैंची है इसको भी यूज़ करोगे, तब जब इसमें जो है जम्स नहीं होने चाहिए, इसको अल्कोहल सहित किसी जो है सैनिटाइज़र से इसको साफ़ कर लें। ये मैंने साफ़ कर लिए। और दोस्तों, ये जो सीज़न है ये अभी रेनिंग सीज़न नहीं है, तो ये जो जितनी भी ग्राफ्टिंग होती है ये रेनिंग सीज़न में होती है। एप्पल की जो ग्राफ्टिंग है वो जनवरी में होगी दोस्तों, उसका भी लाइव आपको बिल्कुल ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों। और ये अभी मैंने प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि इस कैंथ के ऊपर जो है सेब की और नाशपाती की जो ग्राफ्टिंग है बहुत अच्छे से सक्सेस होती है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने कुछ यहाँ से इसको कट करना है दोस्तों, ताकि जनवरी में जो है मैं इसे और नीचे से कट कर सकूं। इसको जनवरी में जो है मैं यहाँ से कट करके दोबारा ग्राफ्ट कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से जो है मैंने इसको कट कर दिया है। अब दोस्तों, ये मेरा जो है वो ब्लेड है जिससे मैं ग्राफ्टिंग करता हूँ। तो दोस्तों, ग्राफ्टिंग ये जो ब्लेड है इसको भी अच्छे से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें, या फिर लाइटर की मदद से इसको साफ़ कर लें। मेरी पहले की जो वीडियोस हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको कट लगाना है ऊपर, और एक कट जो है आपको यहाँ पे जो सेंटर से थोड़ा और हल्का आगे कुछ इस तरीके से आपको कट लेना है। देख लीजिए, ये देखें, कुछ इस तरीके से आपको कट लेना है। ये देखिए, और अब जो है एक कट जो है अब इधर से ऐसे लेना है आपको, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको ये कट लेना है, और ये जो कट है ये कुछ इस तरीके से रहेगा। अब दोस्तों, ये जो मेरी साइन है मैंने अपनी सभी वीडियोस में बताया है दोस्तों, ये जो बड होते हैं ये बड ज़रूरी जो है वो रहने चाहिए दोस्तों। हर कलम में 3 से 4 बड आप ज़रूर रखिए एक कलम पे। ये जो बड हैं ये 1, 2, 3 और ये 4, मैं कुछ यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ, ताकि अगर आपके ये 2 बड ख़राब निकल जाएं, इनमें से अगर जो है वो पत्ते अगर नहीं ग्रो होते हैं तो कटिंग आपकी यहाँ से ग्रो हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों, जो कट हमने जैसे ये कैंथ के पेड़ पे लिया है,
सेम ऐसा ही कट जो है अब हम यहाँ इसके ऊपर भी लेंगे। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से। दोस्तों ध्यान से करें, ये हाथ भी कट सकता है इससे जो है। ये कुछ इस तरीके से हमने इस पे भी सेम यही कट यहाँ पे भी लिया है। ये देख लीजिए प्रॉपर तरीके से। और अब इस पे भी सेम कुछ इस तरीके से जो है एक कट हम इस तरीके से लेंगे। ये जो ग्राफ्टिंग है दोस्तों, ये जेड ग्राफ्टिंग है। ये इसका कुछ इस तरीके से कट रहेगा। ये देख लीजिए, ये देखिए जो जेड ग्राफ्टिंग है हमारी, वो अब हम करने जा रहे हैं इसके ऊपर। तो जेड ग्राफ्टिंग में दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आपको, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसके ऊपर फिट बैठाना है इसको। अभी ये थोड़ा सा और नीचे तक कटेगा। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको इस जो ये पोर्शन है इसको इसमें कुछ इस तरीके से फिट बैठाना है। ये देखना दोस्तों, थोड़ा जूम कर ले ये अच्छे से। ये देखना कुछ इस तरीके से आपको ये जेड आकार से यहाँ से इस तरीके से जेड बना हुआ दिखेगा। और जो है दोस्तों जो बार्क है वो बार्क बिल्कुल दोनों में मैच होनी चाहिए। जो ऊपर की छाल होती है दोस्तों ये बिल्कुल मैच करनी चाहिए कुछ इस तरीके से। और जो है एक बार मैं इधर से भी जूम करके आपको दिखा दूँगा, एक मिनट। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से ही ये रहेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी जो है वो ग्राफ्टिंग दिखेगी। ये इसके बैक साइड में जो है वो थोड़ा सा हल्का ऊपर जा रहा था। अब कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर यहाँ से इधर से भी अगर आपका हल्का थोड़ा सा अगर बाहर जा रहा है, अगर थोड़ा सा अगर ये यहाँ से भी बाहर जा रहा है, तो आप इसका भी जो बिल्कुल एज जो है वो काट सकते हैं इधर से कुछ इस तरीके से। तो जो ये है दोस्तों, ये जो इसका ये कांटा है यहाँ पे, ये मैंने अच्छे से हटा दिया इसको। तो कुछ इस तरीके से आपकी जेड ग्राफ्टिंग होगी कैंथ के पेड़ पे। और ये जो है ग्राफ्टिंग टेप अगर आपके पास है तो बढ़िया है दोस्तों, अगर ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो आप जो है सेलो टेप या कोई और जो बिजली वाली टेप होती है उससे भी कर सकते हैं। और एयर टाइट बांधना है जो दोस्तों, जितनी भी ग्राफ्टिंग होती है उनको एयर टाइट बांधना चाहिए ताकि जो है इनमें हवा और पानी ना जा सके। तो दोस्तों अगर आपको इसको पूरा कवर करना है ऊपर तक, तो यहाँ से पूरा कवर भी कर सकते हैं। और अगर इसको आप नहीं भी कवर करना चाहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल नीचे तक भी कवर कर सकते हैं। मैंने अपनी सभी ग्राफ्टिंग जो है वो कुछ इस तरीके से की थी। अगर आप इसको अगर ऊपर तक कवर नहीं भी करना चाहते हैं, तो सिर्फ यहाँ तक जो जॉइंट है यहाँ तक भी कर सकते हैं।
तो इससे क्या है आपकी ग्राफ्टिंग जो है सक्सेस हो जाएगी। और मैंने दोस्तों रिज़ल्ट भी बताया है आपको कैंथ के पेड़ पे किस तरीके से ग्राफ्टिंग होती है। नाशपाती और एप्पल की जो ग्राफ्टिंग है वो कैंथ के पेड़ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रो करती है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे जो है उस पे सेब लगते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे कर दें दोस्तों, ताकि भविष्य में मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।